गुस्सा नजर आ रहे हैं विभूति जी पे, ऐसा भी क्या हो गया जो इतना ज्यादा ही? ये जो है, ये जो पूरा एपिसोड है, ये टिकटॉक को लेकर, आजकल जो टिकटॉक का माहौल चला हुआ है बच्चों में, कायम में, तो भभूति जो है अचानक हमारी बीवी के साथ अजीब अजीब से कुछ टिकटॉक बना बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, जिससे मतलब तिवारी, क्योंकि बेचारा थोड़ा सा मतलब पुराने के ख्यालात का आदमी है, तो उसको बड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि बार बार लोग कह रहे हैं कि तुम्हें छोड़कर जो है ये दूसरे मर्द के साथ जो टिकटॉक बना रही है आपकी बीवी, और इनको लाइक्स भी बहुत सारे मिल रहे हैं, तो अपनी शिकायत लेकर एक्चुअली भाभी जी के पास आया। लेकिन यहाँ गेम जो है पूरी तरह से उल्टा हो गया, क्योंकि भाभी जी ने कहा कि मैं आपके साथ बनाऊंगी अब टिकटॉक, तो यहाँ सारे सारा जो वो थी वो सही बाढ़ में, अब सिर्फ भाभी जी और तिवारी। जिस रीजन से आए थे वो तो मतलब हुआ नहीं, बट एक कुछ अच्छा हो गया। हाँ, एक नई चीज़ आ गई यहाँ पर। ये पूरा एपिसोड बड़ा मज़ेदार है, और ये बिल्कुल आज के माहौल को लेकर है कि मतलब, और इसमें एक तरह का हमने पहली बार एक छोटा सा एक संदेश भी दिया है कि मतलब टू मच ऑफ मोबाइल जो है कैसे रिश्तों को ख़त्म कर रहा है। एवरीवन इज इन देयर ओन वर्ल्ड, हर आदमी जो है सिर्फ अपने में महदूद है, और जो हम पहले खेला करते थे मैदानों में, ये वो धीरे धीरे कैसे वो छट रहे हैं, कैसे आदमी अपने तक, तो इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज टू। नहीं, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे तो था कि ये भाभी जी के सामने भीगी बिल्ली बन जाएंगे और कहेंगे नहीं नहीं अनु कोई नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूंगा ये वो, लेकिन वो तो अजीब ही बात कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, क्या मैं यही इसीलिए पैदा हुआ हूँ, मैं घर का काम करने के लिए पैदा हूँ, तो ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था तिवारी को, इसलिए और निराश हो गया। लेकिन जैसे ही भाभी जी ने कहा कि टिकटॉक हम भी बनाएंगे तिवारी जी, तो सब छट गया। थैंक यू। ओके, काफ़ी मतलब धुलाई आप तीनों की दिख रही है, काफ़ी धुलाई। एक मिनट। ओके, काफ़ी धुलाई हुई है आप तीनों की, मतलब किसने, ये काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि किसने एक्चुअली धुलाई की है आप तीनों की। क्या होता है कि कभी कहते हैं ना कि जो आंखों को दिखाई देता है वो होता नहीं है, वही टीका मलघन टिल्लू के साथ में हो रहा है। जो कम्बा जो दिखाई दे रहा है वो सच आदमी नहीं है, वो कोई गलत आदमी है। तो भैया से हमारा कोई लफड़ा है क्या? है बता पहले। कहा बता सारों ने इतना मारो है, लिटा के बिटा के उठा के हर एंगल से तोड़ो है, हड्डी तोड़ दी है गई। कसम से कह रही हूँ, जिंदगी में पहली बार ऐसे पैसे बदनसीब साबित हुए हमारे लिए कि हम चाह नहीं रहे ये पैसे ले, लेकिन सक्सेना हमारे उंगली किए जा रही है कि भैया लेना पड़ेंगे, कोर्ट का मामला है, और वो जो है वो है नहीं, जो है वो है नहीं, बस इसी लफड़े में फंसे हुए हैं। आपकी धुलाई जहाँ पे हो रही है वही मतलब अलग ही विभूति जी का बिहेवियर दिख रहा है, जहाँ छुप छुप के नंगूरी भाभी से मतलब रोमांस किया जाता था, आप तो खुल्लम खुल्ला हो रहा है सब। वो तो नैनो के बाण चला रहे हैं वहाँ पर, ये सारे बाण हमारे लग रहे हैं आगे, वो असली बाण हमारे लगाते हैं। नहीं, बाण तो हम लगा रहे हैं, लेकिन वो असली वाले नल्ले सेठ ना है, वो कोई और बाण चला रहे हैं। अब कौन है? बत्ता खोला है, खुल चुके हैं भाई। नंगूरी बोल दी, पहले बोल दी, बोल दी, अरे तेरा वाला बात जे आ गई है, जो आदमी का ना सारे का इतने बड़े बड़े साइज के कीड़े पड़ेंगे, सारा पैसा तो दे तो ना है, ऊपर से ब्याज के रूप में पिटाई दे तो है। हरी मोरी भैया, हमारी हमारी आराम से आदमी बन जाओ, बटे हो गया बस हो गया। हाँ, ठीक है। ऐसा है कि हमारी गर्लफ्रेंड जो हैं वो सबर का बांध तोड़ चुकी है। हाँ। बस, लेकिन हम सब ने कोशिश करी कि बांध बनाए, पैसे लेके आए, उनको फिल्म दिखाए, बस चक्कर में पड़े हुए। अभी आगे क्या मतलब आप लोग करने वाले, पैसे लेंगे विभूति जी या कहें कल्लू से पैसे लेंगे? कभी टीका मलखान टिल्लू को कभी पैसे मिले जिंदगी में? हैं, मिले भी हैं तो क्या उनके पास में रहे? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता ऐसा कभी जिंदगी के अंदर। और जैसी हालत चल रही है ना, तो मुझे लगता नहीं कि हम पैसे मांगने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही, हम गरीब ही ठीक है। जहाँ तहाँ से और... पैसे लेके आए हम, उसको विभूति मैंने लिए। हाँ। और वो अपना काम निकाल लिया उन्होंने, और वो जो वो तो निकल लिए, नकली आदमी आ गया, नकली आदमी हमें ठोकरा पकड़ पकड़ के, आप सोचिए क्या स्थिति हो रही है हमारी। नतीजा ये है कि हम तीनों ऐसे बदकिस्मत हैं, गरीब हैं, कि ये कह सकते हैं कि बादलों के दरमियां कुछ ऐसी साजिश हुई। हाँ। हम तीनों का घर मिट्टी का था, हम तीनों पे ही बारिश हुई। अरे बोरी भैया, इतना प्यार मिल रहा है मतलब सारी व्यूअर्स से, मैं हमें भी काफ़ी सोशल मीडिया में आते रहते हैं, आप लोगों के जो एक्टिंग स्किल्स इतने सबको पसंद आ रहे, क्या कहना चाहेंगे, इतना प्यार मिल रहा है हमेशा से? बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आई वुड लाइक
टू थैंक्स टू ऑडियंस जो भी हमें देख रही है, इतना प्यार दे रही है और शायद उन्हीं का प्यार है कि आज तक भाभी जी को 5 साल होने वाले और ऊपर वाले की कृपा रही तो हम और भी आगे जाने वाले तो हो चुके हैं, मार्च में हो जाएंगे, मार्च में। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर गर्ल्स प्यार दे रही हैं तो उनके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और बाकी सब जो प्यार दे रहे हैं बस वो ऐसे देते रहें। और टीका मलखान टुल्ली को जो आप प्यार दे रहे हो ना, वो प्यार बनता रहे, भाभी जी घर पर देखते रहिए, वरना कसम से कह रही हूँ एक एक के गुर्दे छील दूंगा। इससे पहली बात जो कही ना कि जो पहले शादी से पहले वाली शादी के बाद वाली, ये देखो भाई असली नाक दिख रही है ना, ये वैसे हो रही है। खुश रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो, भाभी जी घर पे है कि सभी, मतलब हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे दो दोस्त लोग हैं, सबका एक ही मैसेज है कि जीवन में जो भी हालात आए, जो भी प्रॉब्लम्स आए, सबको खुशी खुशी सहन करें, हंसते रहें जिंदगी भर, बस बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग भाभी जी घर पे है, मंडे टू फ्राइडे एट 10:30 ओनली ऑन आई टी वी। सही पकड़े हैं, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। का मतलब तेवर थोड़ा बदलता बदलता नजर आ रहा है, आखिर क्या कुछ हो रहा है? काफ़ी स्कूल की यादें भी ताज़ा हो रही हैं, कॉलेज की यादें ताज़ा हो रही हैं और हम लोग सब बात मज़े उड़ा रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। और मैं सबको बताती हूँ कि विभू एक गाना था जो उसने गाया था कॉलेज एनुअल फंक्शन में, चेहरा क्या देखते हो मुझे देख देख कर, और मैं उस पर बड़ी फिदा हो गई थी और फिर मैंने भी गाया था और वही हम सीन दोबारा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अचानक गाना गाते गाते विभू गायब हो जाता है रूम से, फिर मैंने बाहर देखती हूँ तो फिर विभू आ जाता है, लेकिन जब मैं गाती हूँ तो थोड़ा सा मुझे एक चेंज ऑफ बिहेवियर लगता है कि वो क्यों मेरा हाथ झटक रहा है और वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है जैसे विभू यूजुअली रोमांटिक तरीके से मुझसे बिहेव करता है और तुतला के बोल रहा है। तो ये बड़ा एक मुझे कन्फ्यूजन और सस्पिशन हो गया है कि विभू कभी नहीं तुतलाता था, अब क्यों तुतला रहा है। और बाद में कुछ सीन्स ऐसे आएंगे जिसमें कि विभू कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर अपनी बहन जैसी फीलिंग्स आती हैं, तो मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ। और तिवारी जी इस बात के बड़े मज़े ले रहे हैं कि उनको लगता है कि भैया नल्ला तो वैसे भी आपके लायक नहीं था, अच्छा है इसे आपको बहन ही मान लेना चाहिए, जिसके चलते मैं तिवारी जी की 2-3 बार डांट लगा रही हूँ। ओके, तो क्या बड़ा ट्विस्ट, बिकॉज अभी विभूति जी की जगह कालू, मतलब भेद बदल के कल्लू, भेद बदल के आ गए, तो क्या कुछ मतलब ट्विस्ट और टर्न्स आगे? अब क्या ट्विस्ट और टर्न्स होंगे ये तो फिर आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज एक्चुअली विभू इज़ किडनैप्ड, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि होता क्या है असली विभू का और कैसे हम विभू को लेकर आते हैं, आते हैं, नहीं आते हैं, और ये स्टोरी हमारी, देखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे पहले से जानना चाहेंगे मतलब क्या, किस तरह आज यमराज जी का मतलब आगमन हुआ है भाभी जी के घर पे? देखिए, सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि सूनर और लेटर हर एक की ज़िंदगी में यमराज आने ही वाला है ना, तो ये यमराज जो है ये आ गया है अब, और ये आया है अंगूरी को लेने, है ना। तो अब ये कौन से अंगूरी को कब कैसे लेके जाएगा, यही है पूरा। और ये कौन है एक्चुअली और क्यों आया, ये तो एक्चुअली मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊँगा तो फिर मज़ा निकल जाएगा, बट इतना समझ लीजिए कि यमराज आने ही वाले हैं और वो कब आएंगे पता नहीं है, तो इसलिए प्रिपेयर रहिए, सॉरी ऐसी बात कर रहा हूँ बट इट्स अ फैक्ट। तो ये लोग तैयार नहीं है बट आ गया हूँ मैं। थोड़ा सा यमी खाना मिल रहा है यम को, तो वो कभी और अंगूरी ही बना रही है वो सब, तो वो उसकी खुशबू खींच लेती है उसको हर बार, तो आप भी देख रहे हैं कि कितना मुझे सुबह से, वरना मैं मीठा खाता नहीं हूँ बट खा रहा हूँ क्योंकि आई एम यम एंड खीर इज़ यमी। विभूति जी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि अंगूरी भाभी को यम लेके ना जा पाए, किस तरह की उनकी कोशिश चल रही है आपको? वो कोशिश अब यहाँ तक पहुँच गई है कि वो मुझे ब्राइब करने को तैयार हो गए और वो हमेशा गुरी को बचा रहे हैं और हर बार खुद ही चोट खा रहे, लेकिन यम है कि मानेगा नहीं ना, तो अब वो यम को ब्राइब कर रहे हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं, अभी आपने देखा जो सीन हमने किया है, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, हिलेरियस इन अ वेरी ह्यूमरस वे, द मोस्ट सीरियस थिंग ऑफ लाइफ इज़ बीन प्रोजेक्टेड इन दिस स्टोरी, इन दिस एपिसोड, सो आई एम श्योर आप लोग सबको बहुत मजा आएगा। लास्टली जानना चाहेंगे यमराज के गेटअप पे कितना मजा आ रहा है आपको? मुझे सच में लग रहा है मैं ही यम हूँ और मेरा दिल हो रहा है किसको किसको उठा के ले जाऊँ आज। ऑब्वियसली जो गेटअप जो है वो सब चुभने वाला है, चारों तरफ से कहीं कहीं से कुछ चुभ रहा है, ये भी आपने अभी मूछें देखी थी मैंने खोल दी, वो भी हर जगह घुस रही है पॉसिबल जगह, सो इट्स अ पेन आई एम श्योर। यमराज भी कभी कभी इस गेटअप में आते होंगे जब उनको लेके जाना पड़ता होगा पर्सनली,
बट इट्स फन. ऐसे मैंने FIR में कई कैरेक्टर्स किए थे जिसमें मुझे इतनी ही बड़ी बड़ी मूछें और ऐसे सब लगाना पड़ता था. सो आई एंजॉय वर्किंग हियर फॉर भाभी जी बिकॉज यहाँ भी सेम टाइप का होता है मेरा हर बार कुछ ना कुछ नया. सो दिस टाइम इज यम एंड आई एम एंजॉयिंग इट. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग. भाभी जी घर पे है एंड ऑल्सो जीजा जी छत पे है. थैंक यू. तो जहाँ सक्सेना जी पैम्पलेट बांट रहे थे मतलब उनके जॉब के लिए, वहीं अब उनको मिल चुका है. जानना चाहेंगे कि पूरा फैक्ट्री का सीन क्या चल रहा है. एक्चुअली फैक्ट्री में बहुत बड़ा एक ऑर्डर मिला है तिवारी भैया को कच्चे बनियान का. कुछ 1,00,000 कच्चे बनियान का ऑर्डर मिला है और जो टाइमलाइन दी है क्लाइंट ने उस टाइमलाइन के अंदर वो सारे ऑर्डर पूरे करने हैं बनाने हैं. तो इसीलिए एक छोटा सा उन्होंने फैक्ट्री अपने घर में ही खोल लिया है और वहाँ पे सबको जितने भी मोहल्ले के नल्ले हैं उन सबको हायर करके उन्होंने वो कच्चे बनियान का ऑर्डर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन मैनेजमेंट के साथ विभूति भैया तो आपको पता ही है कि उनका नेचर क्या है, तो मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम हो जाती है और उसके बाद उनको वकील की ज़रूरत पड़ती है. तो जैसा कि आपको पता है मैं अनोखेलाल सक्सेना दुनिया का हर काम करता हूँ, तो मैं एक क्वालिफाइड लॉयर भी हूँ. तो मैं मजदूरों की तरफ से ये केस लड़ने वाला हूँ. ओके, देखा जा रहा है कि यहाँ पे दो ग्रुप बढ़ चुके हैं, कनिता भाभी और तिवारी जी का हो चुका है. दूसरी तरफ अंगुली भाभी विभूति जी को सपोर्ट कर रही हैं, काफी नारे वगैरह लगा रही हैं. तब ये ग्रुपिज्म में कितनी मतलब मजा आने वाला है फैंस को देख के. ये ग्रुपिज्म का ही मजा है क्योंकि अगर ग्रुपिज्म नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा और कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा तो एंटरटेनमेंट नहीं क्रिएट होगा. तो ये जो ग्रुप बना है इस ग्रुप की सबसे ख़ास बात यह है कि अंगूरी भाभी जो कि पत्नी हैं तिवारी भैया की अपने पति के ख़िलाफ़ ही बगावत कर देती हैं और सच्चाई का साथ देती हैं और आ जाती हैं विभूति भैया के खेमे में. तो ये बहुत ही मज़ेदार ट्विस्ट है कहानी के अंदर कि कैसे अंगूरी भाभी विभूति भैया के साथ आ जाती हैं. तो बहुत मज़ा आएगा आपको. ओके, हम ये भी देख रहे हैं, हमने ये भी सुना है कि मतलब तिवारी जी और प्रेम चोपड़ा जी मिलके प्लान करते हैं विभूति जी पे वार करने का, गुंडे उंडे भेजते थे. क्या ये सच है और कैसे सक्सेना जी इस चीज़ का पता लगा पाएंगे? इसका पता लगाने के लिए कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे क्योंकि प्रेम चौधरी और तिवारी भैया ये दोनों ही बड़े बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं और बेवकूफ़ लोग जब कंस्पिरेसी करते हैं तो उसको पकड़ना ख़ासतौर पर अनोखेलाल सक्सेना जैसे जीनियस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है. तो मैंने बहुत ही उसको स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है, बहुत ही घुमावदार तरीके से कहानी आगे बढ़ती है और कैसे वो लोग पकड़े जाते हैं ये बड़ा मज़ेदार आपको इसका एक फिनिश देखने को मिलेगा इस कहानी में. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. आई लाइक इट. थैंक यू. तो क्या चल रहा है मतलब विभूति जी बंदर बन गए हैं, आपके कपड़े चोरी हो गए, आप मतलब अनीता भाभी के दुपट्टा छीन लेते हैं, क्या सब चल रहा है अगर बताएं तो? ये कहानी हमने बच्चों को ध्यान में रखते हुए लिखी है. इसमें जो है वो तिवारी जी के कुंडली में बंदर दोष आ गया है और पूरे उसमें कानपुर में जो है बंदर ने उत्पात मचा रखा है. तो भभूति जी को जब ये पता चलता है तो अंगूरी को इम्प्रेस करने के लिए कोई अंगूरी को बंदर चाहिए कोई जिनको वो खाना खिलाए ये करे वो करे, तो वो खुद ही बंदर बन जाते हैं और वो तिवारी को परेशान कर रहे हैं. तिवारी जो है पूजा करने के लिए गया कानपुर में तालाब के किनारे तो उसके बर्वस्त्र गायब कर देते हैं. अब वो जो है घूम रहा है निर्वस्त्र घूम रहा है पूरे मोहल्ले में. अभी भाभी जी दिखाई देती हैं और उनकी वो चुन्नी खींच के ओढ़ लेता है पूरी. अच्छा मतलब इसी बहाने कम से कम अनीता भाभी जी कुछ तो चीज जी उनके 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 वस्त्र का एहसास हमने अपने बदन पे लिया. अच्छा साथ ही साथ आपके और विभूति जी के बीच में बहुत बहसबाजी हो रही थी जू क्यों गए थे और ये बताने के मतलब बहाने दे रहे हैं कि उनको जू में बंदर ने काट लिया जो कि सब जानते हैं कि ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं वो अंगूरी भाभी. वो एक्चुअली क्योंकि हमारा एक पैटर्न टॉम एंड जेरी वाला है तो मैं जो वन विभाग वालों को शिकायत कर देता हूँ कि एक आदमी जो है जो बहरूपी आया है और वो ऐसे ऐसे घूम रहा है तो उसको पकड़वा देता. अच्छा तो क्या लगता है आप मतलब विभूति जी का पर्दाफाश कर पाएंगे? इसी मतलब से पर्दाफाश होगा फिर जब वन विभाग वाले उनके लगाएंगे चित्तर. तो आगे और क्या धमाके मिलने आगे हॉरर स्टोरीज आने वाली है सारी.
कुछ भी मत बोलना, वो नहीं बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, फिर आप अपना ले लेना जो भी टाइम। तो मतलब हमेशा भाभी जी में कुछ ना कुछ नया होता रहता है, कभी आप भूत बनती है, अब आजकल आपके पति देव जो है वो बंदर बने फिर रहे हैं, क्या चल रहा है अगर बताएं तो? हाँ एक्चुअली सीन में क्या चल रहा है पहलू, आज तुम क्यों नहीं बताते सीन में क्या चल रहा है पहलू, कुछ तो बताओ। वो तेरी नॉट इंटरेस्टेड। चलो मैं ही बता देती हूँ। वो मेरे जो पति है वो बंदर बन गया, सबसे मज़ेदार बात ये है कि मुझे बंदर पसंद है, लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट ये है कि जो बंदर है उनको पकड़ने वाली ये सेना भी है साथ में। अच्छा आप लोग ने ये जो नया रूप लिया है ये किस चीज के लिए है? मतलब इमेजिन की दुनिया भर में इनको एक ही काम मिला, अभी इतने दिनों से तो बेरोजगार थे, काम भी मिला तो क्या बंदर पकड़ने का। देखो जी कहानी में सस्पेंस जी आयो, हमेशा हमें जो हमारा विभूति भैया है ना नल्लो भैया वो हमें काम देते हुए, लेकिन इस बार में पहली बार तिवारी भैया ने काम दिए हुए, वो भी मलखान पकड़ने का, मेरा मतलब बंदर पकड़ने का। सार का घोसो मार दूंगा, फालतू बकवास कर रहे हो ना, काम बंदर के मुँह से कहाँ हो गए। हाँ जी सही है, बोरा बंदर हो वो अलग बात है। अरे मतलब फिर फालतू कास कर रहे हो। अच्छा वैसे अनीता जी आपको तो बंदर पसंद है, मतलब आपको आपके पति देव तो ऑब्वियसली पसंद आएंगे, लेकिन पकड़ने के लिए आ गए हैं तो कैसे बचाएंगी अब विभूति जी को? मैं बचा पाऊंगी, मुझे लगता नहीं कि मैं बचा पाऊंगी, क्योंकि ये जो तीन हैं इनको मैंने खुद नहीं कहा था कि ये काम तुम बिल्कुल बीच में मत छोड़ना और ये बहुत मेहनत से करना, और देखिए ये उल्टा मुझ पर ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पति को ही पकड़ के ले जाने वाले हैं। अच्छा साथ ही साथ मतलब तिवारी जी ने अच्छी खासी प्लानिंग की है, मतलब जिस तरह से विभूति जी अंगूरी भाभी को इम्प्रेस करने के लिए बंदर बने हैं और तिवारी जी ने सब वन विभाग वालों को बुला लिया है विभूति जी को पकड़ने के लिए, तो बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है आई गेस। ड्रामा ऐसा होने वाला है कि पकड़ने जाती हूँ बंदर ऐसी ऐसी जगह काटता है कि हम बता भी नहीं सकते। अच्छा तो मतलब आप भूत बनी हुई है बंदर, मतलब दोनों मतलब एक ही फैमिली में दो लोग अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। वो अलग किस्सा है, वो अलग ही कहानी है जिसमें कि मैं एक साया बनी हुई हूँ, वो एक अलग ही कहानी है जिसमें कि मैं मेरे अंदर जो है मेरी सहेली की आत्मा आ गई है जिसको इंसाफ चाहिए क्योंकि उसका खून हो गया है। ये कहानी बिल्कुल ही अलग है जिसमें मेरा पति बंदर बना हुआ है और ये इतनी बावली है कि इसको अपना बंदर नुमा पति भी बहुत पसंद आ रहा है, उस पर भी उसको प्यार आ रहा है, देखिए कितना मतलब अंधा प्यार है उसका। लास्टली आज तिवारी जी आ गए हैं, उनके कपड़े छीन लिए गए, आज आपके कपड़े छीन लिए, बट खुश बहुत है कि आपके कपड़े तो कम से कम उन्हें हासिल हुए, मकसद पूरा हो गया है। शैतान मकसद है। तिवारी जी देखिए आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है, तो आप बिल्कुल उम्मीद रखना छोड़ दीजिए। लेकिन लेकिन हमारे तिवारी भैया की खास बात है कि बेचारे थोड़े में गुजारा कर लेते हैं, तो वहाँ में इन्हें एक दो साल निकल जाएंगे। एक बंदर मॉडर्न कॉलोनी के अंदर। वाह क्या बात, देखिए बन गई आपकी स्टोरी, थैंक यू। अभी अनु में एक अनु जो है वो उसमें अपनी फ्रेंड रॉक्सी उसकी है, उसका भूत घुस आया है और रॉक्सी का खून हो गया है और रॉक्सी का खूनी कौन है इस बारे में किसी को पता नहीं चल रहा है, तो वो इंसाफ चाहती है और इसी सब ये एक तरह की मिस्ट्री कम सस्पेंस कम हॉरर का सब मिक्स है, तो इसमें पता चलेगा कि एक्चुअली रॉक्सी का खून किसने किया, अनु में ये क्या आत्मा का क्या चक्कर है और ये सब क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ का खुलासा होगा। जी विभू को किसी बाबा ने बताया है कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ रोमांस करते हैं तो आपको फिर इन्हीं तीन दिनों में तो आपको आप करोड़पति हो जाएंगे, तो इसी चक्कर में वो डरा भी हुआ है कि उसकी बीवी में चुड़ैल आ गई है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी बीवी को कैसे बोले क्या बोले, तो ये उस तरह का कुछ सीन था जिसमें वो ये कहना चाह रहे हैं अपनी बीवी से कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके रूम में आ जाऊँ, क्योंकि वो उसको पता लग गया है कि मेरी बीवी के अंदर एक चुड़ैल आ गई है।